सदियों से सोया है जो सुनकर ये जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो, या तो ये, या तो ये, या तो ये। 3000 साल पहले मिस्र की एक आबाद नगरी थीब्स, जो वहां के पहले बादशाह फिरौन की सल्तनत थी, उसी सल्तनत में फिरौन का एक ताकतवर पादरी इमोडेब भी रहता था, जिसमें काले जादू की मदद से मुर्दों में जान डालने की एक बेमिसाल काबिलियत थी। वहां पर फिरौन की मासूका अक्सुनामुन भी रहती थी, जिसे बादशाह फिरौन के अलावा कोई दूसरा शख्स उसे छू भी नहीं सकता था। मगर इसके बावजूद भी अक्सुनामुन को पादरी इमोडेब से प्यार हो जाता है और वो अपनी जान दांव पर लगाते हुए अक्सुनामुन के करीब आ जाता है। ये बात जल्द ही बादशाह फिरौन को पता चल जाती है। बादशाह फिरौन के जानते हैं कि अक्सुनामुन के किसी और के साथ में नाजायज संबंध है। फिरौन उस आदमी को मरवा ही देता, मगर इमोडेब पहले ही फिरौन को मार देता है, जिसके बाद अब वहां के बादशाह के सैनिक अब इमोडेब को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अक्सुनामुन इमोडेब से कहती है, तुम्हें यहां से बच के जाना होगा, क्योंकि तुम ही मुझे मरने के बाद जिंदा कर सकते हो। अब यहां अक्सुनामुन गुलामी से आजाद होने के लिए अपने आप को मार लेती है और इमोडेब वहां से भाग निकलता है। फिर से अक्सुनामुन को जिंदा करने के लिए इमोडेब उसके शरीर को काले जादू की किताब से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह के सैनिक उसका पीछा करते हुए उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं और इमोडेब को पकड़ लेते हैं। इमोडेब के सारे पादरियों को वो लोग जिंदा ताबूत में दफना देते हैं और इमोडेब को बादशाह से बगावत की वजह से होमडाई की सजा मिलती है। कहा यह जाता है कि इससे पहले ये सजा किसी और को नहीं दी गई थी। इमोडेब के सभी ऑर्गन्स को निकाल के अलग अलग डिब्बे में रख दिए जाते हैं। उसे एक जिंदा मम्मी बनाकर एक श्रापित ताबूत में रखा जाता है और जो कोई भी इस श्राप से इसको आजाद करने की कोशिश करेगा तो कयामत आ जाएगी। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर हमुनाप्तर की जमीन पर कई सारी सेनाओं के द्वारा लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि हमुनाप्तर की इस जमीन के नीचे बेशुमार खजाना छिपा है। इंग्लैंड के सैनिकों की यहाँ पर रहने वाले बंजारों से लगातार कईयों लड़ाइयाँ चलती हैं, मगर इंग्लैंड के सैनिकों की मुंह की खानी पड़ती है। इन सब के बीच में एक आदमी होता है जिसका नाम रिक ओकोनल होता है, जिसे अकेला छोड़कर रेगिस्तान के हवाले कर दिया जाता है। अब इसके बाद में 3 साल बाद मिस्र में दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एवलिन नाम की लाइब्रेरियन होती है। एवलिन को प्राचीन चीजों के बारे में काफी दिलचस्पी होती है। वो हमुनाप्तर और अमुनरा की खोज में लगी होती है। उसे इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता होता है। उसका एक भाई जोनाथन होता है। जोनाथन को एक बंजारे से सदियों पुरानी एक प्राचीन चाबी मिलती है। जब एवलिन इस चाबी को खोलती है तो उसमें से एक नक्शा बाहर निकलता है और ये नक्शा हमुनाप्तर तक पहुँचने का जरिया होता है। एवलिन ये चाबी कैसे मिली जोनाथन से पूछती है। इसके बाद में जोनाथन एवलिन को इस चाबी वाले से मिलवाने के लिए ले जाता है। ये आदमी जिसके पास में ये चाबी थी वो कोई और नहीं, वही रिक ओकोनल होता है, जो 3 साल पहले युद्ध में हारने के बाद भटकते हुए कैदियों के बीच में आ गया है। एवलिन ओकोनल से पूछती है, तुम हमुनाप्तर के बारे में क्या जानते हो। ओकोनल को हमुनाप्तर के बारे में काफी कुछ पता होता है, मगर आज ओकोनल को फांसी लगने वाली होती है, इसलिए एवलिन को हमुनाप्तर तक पहुंचने के लिए रिक ओकोनल को फांसी से बचाना ही पड़ता है। जल्द ही शर्त के मुताबिक एवलिन रिक के साथ में हमुनाप्तर के लिए निकल जाते हैं। हमुनाप्तर एक श्रापित जगह होती है। कुछ लोग वहां की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तक लगा देते हैं, इसलिए इन लोगों को वहां पहुंचने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल्द ही सभी लोग हमुनाप्तर यानी कि मुर्दों की नगरी पहुंच जाते हैं। एवलिन के साथ रिक और जोनाथन यहां पर कुछ अहम चीजों की खोज के लिए आए होते हैं और इनके अलावा बाकी जो लोग होते हैं वो सब लोग खजाने की खोज के लिए यहां पर आए होते हैं। जल्द ही एवलिन को एक 3000 साल पुराना ताबूत मिलता है। ये वही इमोडेब का ताबूत होता है जिसे होमडाई की सजा दी गई थी। ताबूत खोलने के बाद उन्हें उसके अंदर से इमोडेब का कंकाल मिलता है, मगर हैरत की बात यह होती है कि ये कंकाल ऐसा लगता है कि अभी ताजा है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलन को उनके साथियों के साथ एक बॉक्स मिलता है। ये बॉक्स खोलने पर उन्हें काले जादू की किताब मिलती है और साथ में कुछ खजाने की तरह दिखने वाली चीजें भी मिलती हैं। सभी लोग चीजों को आपस में बांट लेते हैं। डॉक्टर एलन को पता होता है कि असली खजाना तो ये काले जादू की किताब है। ये काले जादू की किताब कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा शायद किसी और को नहीं है।
महज इसके किसी के पढ़ने से बहुत बड़ी कयामत आ सकती है। जब एलन सोने के लिए जाता है तो रास्ते से एवेलिन गुजरती है और उसे काले जादू की किताब एलन के पास दिखाई देती है। एवेलिन इसी चीज की तलाश कर रही थी, इसीलिए जब एलन सो जाता है तो एवेलिन इससे ये किताब चुरा लेती है। अब एवेलिन किताब को ले जाकर रिक के पास जाकर उसे चाबी की मदद से खोलती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। महज सिर्फ एक लाइन पढ़ने से ही उस एमोडेप के मुर्दा शरीर में जान आ जाती है। एलन तुरंत जाकर कहता है, तुम्हें ये किताब पढ़नी नहीं चाहिए थी। एमोडेप के जिंदा होने के बाद वहाँ जलजला आ जाता है। एमोडेप का मुर्दा शरीर अब जिन लोगों ने पहले संदूक खोला था उन लोगों को मारकर वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा करेगा और उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने भी संदूक खोला था एमोडेप उन्हें मारकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। एमोडेप एक ऐसा श्राप बन जाता है जिसे काबू कर पाना नामुमकिन होता है। फिर से जिंदा होने के बाद एमोडेप अपना अधूरा काम फिर से करता है। वो एक बार फिर से अपनी चहेती अनक्सुनामुन को जिंदा करता है। इसके लिए उसे काले जादू की किताब और एवेलिन की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इमोडेप एवेलिन को पकड़ ले जाता है और बाकी लोग जो एवेलिन के साथ में होते हैं वो अपनी जान बचाकर उसके चंगुल से निकल जाते हैं। इमोडेप को मारने का एक रास्ता होता है, अगर उसकी शक्तियाँ उससे छीन ली जाए तो इमोडेप को मारा जा सकता है और इसके लिए जादुई सोने की किताब जिसे अमुंड्रा के नाम से जाना जाता है उसकी जरूरत होती है। इमोडेप हमुनाप्त्र पहुँच जाता है और उसके पीछे रिक और जोनाथन भी हमुनाप्त्र एवेलिन को बचाने के लिए और उस शैतान को मारने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इमोडेप रिक को मारने की कई सारी कोशिशें करता है मगर रिक किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। हमनाप्त्र के अंदर पहुंचने के बाद इमोडेप काले जादू की किताब की मदद से अनक्सुनामुन को जिंदा करने लगता है और दूसरी तरफ रिक अमुंड्रा की खोज में लग जाता है। उसे वहां पर खजाने से भरा कमरा मिलता है जहाँ पर बेशुमार सोना होता है और उसे वहाँ पर बस थोड़ा बहुत ही ढूंढने पर उसे जादुई सोने की किताब मिल जाती है। इमोडेप अनक्सुनामुन को जिंदा करने में कामयाब होता है और अब एवेलिन की बलि देने वाला होता है मगर रिक आके एवेलिन को बचा लेता है। वहाँ के कई सारे ममीज से वो लड़ाई भी करता है। रिक और इमोडेप जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे होते हैं उसी बीच में जोनाथन आके एवेलिन को छुड़ा लेता है। अब एवेलिन अमुंड्रा को पढ़ती है। अमुंड्रा को पढ़ने के बाद में इमोडेप की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। अब इमोडेप एक आम आदमी बचता है और उसे रिक आराम से मार देता है। इमोडेप के मरने के बाद ही पूरी जगह धंसने लगती है और रिक के साथ में सभी लोग बाहर बच के निकल जाते हैं। इसके बाद में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 1999 की मूवी जिसका नाम है दी मम्मी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।